मंदसौर शुक्ला चौक में पाकिस्तान ने मचाया आतंक, जान बचाकर भागे लोग, दो लोग घिरे, एक से डेढ़ घंटे में पकड़ाया सांड। मंदसौर शुक्ला चौक घंटाघर क्षेत्र में आज एक से डेढ़ घंटे तक पागल सांड ने आतंक मचा दिया। इसकी सूचना यातायात पुलिस को मिली, मौके पर ही एक जवान को तैनात किया। उसके बाद पुलिस जवान ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया और पागल सांड से बचने के लिए लोगों को प्रयास कराते रहे। मौके पर ही गौरव की सेवा समिति के अध्यक्ष एवं ओम बड़ोदिया व उनकी टीम भी पहुंची और व्यवस्था को संभाला। नगर पालिका को सूचना दी गई कि एक पागल सांड घुस आया है और लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है। एक से डेढ़ घंटे के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और नगर पालिका कर्मचारी, पुलिस, गौरव्य सेवा समिति के अध्यक्ष व उनकी टीम व शहर की जनता के साथ मिलकर पागल सांड को पकड़ने का कार्य शुरू किया। आखिरकार इस पागल सांड को पकड़कर नगर पालिका के जंगले में डालकर अन्य जगह ले जाया गया। मंदसौर यातायात थाने में पदस्थ पुलिस जवान अर्जुन गंधर्व द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए सोमवार को बताया कि एक सांड पागल हो गया था, इससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, किंतु कुछ लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं। दो लोग गिर भी चुके हैं और उन्हें चोट भी लगी है। गौरव की सेवा समिति के अध्यक्ष ओम बड़ोदिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक सांड पागल हो गया था और शहर में एक से डेढ़ घंटे तक आतंक मचाया। नगर पालिका की लापरवाही काफी नजर आई है। काफी देर बाद नगर पालिका का जंगला आया और उस पागल सांड को पकड़ लिया। एक बड़ा हादसा होते हुए टला है। लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए नजर आए हैं। इस पागल सांड को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी काफी संख्या में एकत्रित हो गई। सांड को पकड़ने में अर्जुन गंधर्व, रोहित चौहान और गौरव सेवा समिति के अध्यक्ष ओम बड़ोदिया व उनकी टीम मौजूद थी। नगर पालिका कर्मचारियों ने सबके साथ मिलकर पागल सांड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अभी एक से डेढ़ घंटा हो गया है घंटाघर क्षेत्र में। अभी एक सांड पागल हो गया था और उसको रेबीज हो गया है और वो लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल बना हुआ था, कहीं मार ना दे, इधर उधर दौड़ रहा था। अभी पुलिस की सूझबूझ से और आम जनता की सूझबूझ से उसको है ना एक तरफ लेके आए और उसको नगर पालिका द्वारा सूचना करी है और नगर पालिका द्वारा और आम पब्लिक द्वारा उसको पकड़ के अभी भिजवाया गया है। कितने घंटे की मशक्कत? एक से डेढ़ घंटा मिली है नगर पालिका, डेढ़ घंटा हो चुका है और अभी तक नगर पालिका की एक चूक ये है कि समय पर नहीं पहुँच पाए हैं। वो कहीं ना कहीं समय में पहुंच जाते तो जल्दी पकड़ लेते हैं। अभी करीबन एक से डेढ़ घंटे में ट्रैफिक बहुत प्रभावित हुआ है। क्या लगता है बड़ा हादसा टला है? हाँ, ये हादसा बड़ा टला है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग निकल रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये सांड पागल हो गया है, कहीं ना कहीं मारने का डर भी था। लोगों में क्या था? एक्चुअल में वहाँ घंटाघर पर ये कुछ दौड़ भाग कर रहा था तो ट्रैफिक वालों को काफ़ी समस्या आई। मैंने अपने सहमित्र को बुलवाया और ट्रैफिक का क्लियर करवाया और लेकिन ये उत्पात मचाते मचाते यहाँ तक पहुँच गया था शुक्ला चौक तक। तो हम लोग शुरू से ही लगे रहे, नगर पालिका की टीम भी समय पर पहुँच गई और अब उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। जनहानि वगैरह हुई यहाँ पर? नहीं, हाँ जनहानि कुछ नहीं हुई। लोग चमके जरूर थे, गिरे उठे, लेकिन ट्रैफिक को क्लियर करने से काफ़ी आसान रहा। कितने घंटे लगे इसमें? ये मैक्सिमम अभी हाँ डेढ़ से दो घंटे होने आ गए।